अस्सलाम वालेकुम गाइस, गांव से आने के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है और आज के इस व्लॉग में मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। जो जो मैंने व्लॉगिंग एक्सेसरीज लिए आने वाले व्लॉग बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और हमारे घर एक मेहमान आया गांव जाने से पहले, एक कबूतर आया है जो बेचारा इसके पंख में बहुत लग गया था, खून वगैरह आ रहा था, तो मैंने लिया था उसको, दो चार दिन उसको संभाला, उसके बाद मैंने रहीम को दे दिया था संभालने के लिए। अभी वापस मैंने ले लिया हूँ, उसको बताता हूँ आप लोग। तो ये वो कबूतर जिसके लेफ़्ट वाले पंख में लगा हुआ है, अभी फ़िलहाल पहले से ठीक है, उसके धीरे धीरे पर आ रहे हैं, अभी उड़ नहीं पा रहा है वो, अपने मन में जब आता है खाता है पीता है सो जाता है। ये इसका डब्बा, यहाँ रख देता हूँ उसको मैं। पहले आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या एक्सेसरीज़ मैंने लिया है व्लॉगिंग करने के लिए। आगे जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो और भी अच्छे होने के लिए मैंने क्या लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने लिया है एक ग्रीनरो का माइक। ये माइक परचेस किया है मैंने। अगर आप लोग भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो, माइक वगैरह ढूंढ रहे हो, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा माइक है, अभी फ़िलहाल इसको लगाया नहीं हूँ मैं। मेरा जो ट्राईपोड है वो ट्राईपोड भी पुराना हो गया था, तो मैंने एक नया ट्राईपोड भी लिया है। ये भी अगर चाहिए तो ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला है ये ट्राईपोड, इसको भी अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने ये लिया है, एक्शन प्रो का ये, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हेलमेट में लगा के, ऐसा मोबाइल लगा के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बनाया है ब्लॉग। एक बाइक लेने जाने के लिए रिक्शा मारना पड़ता है। अपनी राइडर लेने के लिए अपने को रिक्शा मार के आना पड़ता है। इधर के कुत्ते बहुत डेंजर है। हाँ बॉस भाई, ये रही अपनी राइडर, काफ़ी गंदी हो गई है यार। मैंने एक बार खुद से धोया था और एक बार वॉश भी करवाया था, बट बारिश का टाइम था तो मैं ज़्यादा बार बार उसको वॉश नहीं करवा रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था गंदी हो जाएगी। बट एक बार इसको अच्छे से वॉश करवाएंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ी धूल है, इसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं। और इसका ये जो एक मिरर है, मिरर ब्रेक हो गया यार, इसको दूसरा लगवाया था मैं, वो भी ब्रेक हो गया, एक और बार लगवा देंगे, ठीक है। बाकी ये देखो, बिल्ली ने रैशेस ऐसा ऐसा करते ना लोग, बिल्ली ने कर दिया। बाकी ये हटाना पड़ेगा मेरे को, कि बारिश का टाइम अभी चला गया है, ये हटा देंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल अभी इसको थोड़ा अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ कर देते और एक राइड पर जाके आते हैं। आज तो इतना ही करेंगे, बाकी ये हटा के इसका वॉश भी अगले वीडियो में करेंगे। इसका मिरर भी लगा देंगे, ये भी थोड़ा ढीला हो गया, इसको भी टाइट कर देंगे। और देख रहे हो ये चीज़ देख रहे हो, ये पता नहीं है सबके इसमें होता है कि, बता दो मेरे को ज़रा, ये दोनों अपने आप निकलना चालू हो गया। इसको कितनी बार मैंने ग्लू लगाया है, क्या क्या किया है। और सबसे बुरी बात राइडर की ये है, इसको अगर हम सिंगल स्टैंड ऐसा खड़ा करते हैं और ज़रा सा भी इसके ऊपर ऐसा पैर रखते हैं तो पूरी तरीके से इधर गिर जाती है ये, मतलब एकदम खड़ी रहती है ये गाड़ी। इसके लिए देखो कितनी बार गिरी करके, यहाँ पे देखो कितना वो हो गया, एशेस आ गए पूरे। शुक्र अल्लाह का इसकी वजह से ये बच गया, वरना पूरा चला जाता, इसका शो बैंड हो जाता, ऐसा बच गया। एक चीज़ है, बाइक को कितना भी संभालो, गंदी होनी है तो होनी है, या फिर डैमेज होना है तो होकर ही रहेगा वो। बाकी मैंने मेरे हिसाब से तो टेक केयर किया है इसकी, बट फिर भी इसको कुछ ना कुछ हो जा रहा है। एक और डैमेज दिखाता हूँ आप लोगों को, वो गिरने की वजह से ना, वो सिंगल स्टैंड की वजह से जब गिरती है ना गाड़ी, तो क्या क्या डैमेज होता है वो देखो। ये देखो इसको, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो जगह सबसे गंदा। ये बच गया और काफ़ी बार यहाँ पे लगा है, थोड़ा ये बच गया। बाकी बाइक जो है अपनी टोटल 1791 किलोमीटर चल चुकी है टोटल, और इसमें पहली सर्विस के बाद माइलेज अभी भी 49 किलोमीटर दिखा रहा है, और पता नहीं ये बढ़ेगा अभी या नहीं आगे। गाइस देखो यहाँ पे काम चालू है, इसलिए मैं अपनी बाइक यहाँ पे नहीं खड़ा कर रहा हूँ। और हमारी एविटर की क्या हालत हो गई देखो, शिट। और यहाँ के बच्चे लोग एडवांस है ही ऑलरेडी, मट्टी वट्टी सब उड़ा देंगे। तो अभी हम लोग निकल गए एक छोटी सी राइड लेने के लिए, और देखते हैं। आज बहुत दिन बाद चला रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लग रहा है।
कैसा क्या आज के दिन कितना हम चलाएंगे वो देखेंगे। तकरीबन 40 किलोमीटर हम चलाएंगे, लेट्स सी। यार इसका मिरर नहीं है ना, बहुत गंदा लग रहा है। पहली फुर्सत में मेरे को मिरर लगाना पड़ेगा, कल लगाऊंगा मिरर। अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ बेलापुर की तरफ, पाम बीच रोड पे चलाने का मज़ा ही अलग है। फ़िलहाल जो है मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप नहीं लगाया है, तो मैं ज़्यादा देर मोटो ब्लॉगिंग की तरह पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि आगे गाड़ियाँ भी आ रही है। आगे उतर के मैं आप लोगों से बात करूँगा थोड़ी। मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप ट्राई करेंगे आगे लगाने का, ठीक है। बाइक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ नेरुल में, ये है पाम बीच रोड, बहुत अच्छा चल रही है बाइक। मेरा जो फेवरेट टाइम है राइडिंग करने का वो यही है, 4-5-6 बजे का जो टाइम है, जब सूरज ढलता है, जब सनसेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है राइड करने। और एक सुबह के टाइम तो किसको नहीं अच्छा लगता राइड करना। फ़िलहाल अभी मैं पाम बीच रोड पे, मतलब आधा पाम बीच हो गया है और आधा ख़त्म होगा बेलापुर पे, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा पाम बीच जो है ख़त्म हो जाएगा बेलापुर पे। अभी मैं एकदम स्लो चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना है इसलिए। फ़िलहाल अभी जो है मैं साई रूप में आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए, फ़िलहाल अभी वो है नहीं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। थोड़े टाइम में वो आएगा, बट शायद मैं वापस यहाँ पे नहीं आ पाऊँ, निकल जाऊँगा मैं यहाँ से। बहुत मज़ा आया पाम बीच पे राइड करने मेरे को, तो हमेशा ये जो इतना किलोमीटर हुआ है ना, मैं पाम बीच पे राइड करता हूँ इसलिए मेरा इतना ज़्यादा किलोमीटर हो गया कम टाइम में, वरना अपने गोवंडी में मैं इतना चला ही नहीं पाता था, इसलिए फटाफट सर्विस का भी टाइम आ गया। अभी निकलते हैं यहाँ से। जो मैंने इसका टॉप स्पीड है वो भी पाम बीच पे ही टेस्ट किया है, इसका मैंने अभी तक तो 110 मारा है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। नई मुंबई में क्या है, मस्त रहता है, एकदम साफ सफाई और रोड भी एकदम क्लियर रहती है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। नई मुंबई ऑलवेज़ बेस्ट, ग्रीनरी भी रहती है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर राइड करने बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम पर मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सुबह के टाइम पर इंशाल्लाह आऊँगा किसी दिन। मज़ा ही अलग है फिर राइड करने का। देख रहे हो कोई है क्या आजू बाजू? कोई नहीं, एकदम क्लियर रहता है रास्ता, एकदम खाली रहता है, और रोड भी एकदम मस्त रहती, बनी हुई, चलाने अच्छा लगता है। फिलहाल अभी जो है हम गोवंडी पहुंच गए और हमारा जो 40 किलोमीटर का एम था आज का वो पूरा हो गया, बहुत अच्छे से चली बाइक। अभी जो फ्यूल का है रेड इंडिकेटर जल रहा है, आप लोगों को बता देता हूँ, 1791 था, अभी 1836 है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चली। ये रहा टोटल किलोमीटर, 1836। रेड लाइट जल रही भाई, रेड लाइट जल रही। चलो अभी जाते हैं फटक से, बाइक को लगा देते हैं अपने इधर। फिलहाल अभी हम लोग बैठे हैं सोहेल की दुकान में और अयान पी रहा है कोला, और ये देखो गांव से आ गए इधर पे, क्या नाम बताया था? इरफान। मेरा भाई इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, और ये भी मेरे भाई का फ़ैन है, और दूल्हे मियाँ खड़े इधर दुकान पे। गाइस एक वीडियो देखो फलस्तीन के बारे में, क्या हो रहा है वहाँ पर, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। आप लोग सब लोग दुआ करो फलस्तीन के लिए, तो बहुत ही डेंजर वीडियो है। ये दोनों बच्चे शहीद कर गए, बहुत बहुत डेंजर नज़ारा है ये सब। दुआ करो आप लोग सब लोग फलस्तीन के लिए। फिलहाल अभी हम लोग 10 नंबर रोड पे चाय पीना है, ये देखो अपना गांव का छोरा मुंबई की चाय पी रहा है। मुझे तो पहचानते होंगे गाइस, सब पहचानते, अभी देख रिसेंटली देखे अभी दूल्हे को, अभी से नहीं बहुत टाइम से देखता लेकिन ज़्यादा मैं फ्रंट पे नहीं रहा हूँ, फ्रंट पे नहीं रहा, बैक एंड पे काम करता हमेशा, इधर बैक साइड काम भी बहुत रहता था, मुझे मुसाफिर आ नहीं पा रहा हूँ, अभी आएगा धीरे धीरे आएगा इंशाल्लाह, धीरे 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 करके वापस कवर अप करेंगे पूरी वीडियो, जितना भी है आपको ऑल ओवर मुंबई हो घुमाएंगे आउट साइड,
मुंबई के आउटसाइड में घुमाया जाए इंशाल्लाह। बताइएगा जितना हो सके उतना कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी प्लेस विजिट करना है, आपको देखना है। हम इतने जल्दी कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ दिखाने की, करने की, जितना भी हो सके आप जितना भी बताओ हम आपको विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। आप बोलो, जहाँ आप बोलो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ और जैसे कि आप लोगों ने देखा सोहेल की दुकान में बैठ के मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसा हो रहा है गाजा सिटी में, कितना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बम गिराया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी बम गिरा, बहुत बुरी हालत है। आप लोग दुआ करो फलस्तीन के लिए, गाजा के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो चला होगा, वीडियो चला तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।